रायसेन से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। तेज कोहरे के कारण एक्सयूवी कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकराकर पानी में गिरी। बिल्होरी पुलिस की घटना, कार में सवार ड्राइवर के डूबने से मौत। हालांकि कार का एयरबैग खुले होने से एयरबैग और स्टेयरिंग के बीच फंसा मिला ड्राइवर। कार में एक ही व्यक्ति ड्राइवर था सवार और मृतक ड्राइवर की हुई पहचान रोहित पिता कंछेदी कुर्मी देवरी फतेहपुर जिला दमोह का रहने वाला है। पुलिस ने हैड्रा क्रेन की मदद से कार बाहर निकाली पुलिया से और सब सांची स्वास्थ्य केंद्र के लिए भेजा। ये सारी घटनाएं दुर्घटनाएं कोहरे के चलते हो रही हैं। रायसेन जिले में तेज ठंड और कोहरे का कहर जारी है। विजिबिलिटी 25 मीटर से भी बहुत कम है। साल का सबसे ज्यादा घना कोहरा आज छाया हुआ है। कोहरा इतना घना है कि घरों के अंदर आ गया है। वाहन चालकों को वाहनों की लाइट के साथ साथ पार्किंग लाइट जलाकर निकलना पड़ रहा है। विगत लगभग 9 दिनों में जिले भर में आम जनता कोहरे और ठंड से बेहद परेशान है। रात और दिन के तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। तापमान सामान्य से भी 7 डिग्री कम है। रात का तापमान लगभग 12 से 13 डिग्री के आसपास मौजूद रहता है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। ठंड शुरू होने के साथ कोहरे का प्रकोप भी शुरू हो जाता है। यही वजह है कि दिसंबर व जनवरी व फरवरी माह में कोहरे के चलते सबसे अधिक सड़क हादसे होते हैं। ठंड के दिनों में हादसे इतने तेजी से बढ़ते हैं जिससे हर साल करीब 2 दर्जन से ज्यादा मौतें हो जाती हैं। कोहरे में सड़क की सही स्थिति की जानकारी नहीं रहने के कारण कई बार ड्राइवर अनियंत्रित होकर खंभे से, खड़े वाहन से या पुलिया से या सामने आ रहे वाहन से टक्कर मार देते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं आम हो जाती हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार हर साल करीब 40 से 50 हादसे में करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी गमा बैठते हैं, जबकि सैकड़ों हादसे में लोग मामूली या गंभीर चोट से घायल हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप घर से निकलें, अपने वाहन से निकलें, कोहरा होने के पहले ही अपने घर पहुंचें। रात्रि में कोहरे के चलते सफर ना करें। प्रशासन रोक लगाने में नाकाम है। सर्दी शुरू होते ही हादसों की तादाद बढ़ जाती है, जिसकी मुख्य वजह ठंड के दिनों में आने वाला कोहरा ही होता है। कोहरे की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है। दिसंबर जनवरी में अधिक प्रकोप रहता है। फरवरी माह में भी कोहरा अपना असर दिखाता है, इसलिए हमेशा दिन का समय ही आना जाना चाहिए। कोहरा अधिक होने पर घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें और अपने बच्चों को, बुजुर्गों को ठंड से बचाएं। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट।